किसकी चीज की पौध बेच रहे हो सर? इसमें शिमला मिर्च है, करेला है, घी है, लौकी है, खीरा। तो लोग लेके गए अभी तक नहीं? सर अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ, मतलब हम सोच नहीं सकते थे, हमको किसी ने बोला था पिछली बार राशन नहीं था, और इस बार अभी तक जो आधा सामान हमारा बिक गया अभी। अच्छा अच्छा जी सर, थैंक यू सर। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे एरवा में 2 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया गया, और ये आज और कल शिवरात्रि के दिन हमारा ये किसान मेला यहाँ पर 2 दिन के लिए रहेगा। और सभी कठुआ वासियों से यहाँ पर, खासतौर से जो हमारे नगरी के आसपास के जो लोग हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर ये किसान मेले में पार्टिसिपेट कर इसका लाभ उठाएं, और उसके साथ साथ महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमारे इस प्राचीन मंदिर में दर्शन कर वो भी उसका भी लाभ लें। मेरी तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से सभी कठुआ वासियों को शिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर पिछले 2-3 साल से नारी जो मंदिर कमेटी है, सर काफ़ी डेवलपमेंट की है मंदिर की, आपका प्रशासन की ओर से आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? देखिएगा, कोई भी मंदिर जो होता है वो उसमें वहाँ की मंदिर कमेटी और जो आसपास के लोग होते हैं वो ही उसको जो है बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसमें प्रशासन की तरफ से भी लगातार, क्योंकि हमारे जो तहसीलदार साहब हैं ये भी यहाँ पर इस मंदिर का जो है कार्रवाई इसकी देखते हैं, तो पूरा सहयोग प्रशासन की तरफ से भी किया जा रहा है, और जो और भी मंदिर की जो डेवलपमेंट के लिए जो प्रसाद स्कीम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत भी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए और भी कार्य किए जाएंगे। थैंक यू सर।